Sí. इनहेल, पूरे बॉडी में अंदर अंदर तक सांस लीजिए एंड एक्सहेल। एक और बार डीप इनहेल प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत। योगी चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरा सचल वेद किम योपाकरोतम प्रवरम मुनीना पतंजलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तेजी से अपनी हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। को फिर से बैठे रहिए जो हम रोज करते हैं वार्म अप बैठे बैठे वाला करेंगे। पाद उंगली नमन। बिल्कुल सिंपल से शुरू होके फिर थोड़ा सा हैवी तक जाएंगे। दोनों पैर स्ट्रेट, दोनों पैरों की उंगलियों को इस तरीके से क्लोज एंड ओपन, ओपन एंड क्लोज। यस, ओपन एंड क्लोज। अपने वेट्स आज आप पास में रखिएगा। अब गुल्फ नमन पीछे ले जाएंगे, सांस लेंगे आगे पीछे। इनहेल सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। रोटेट योर एंकल ज्वाइंट, इसको रोटेट करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, रोटेट। यस, पूरी तरह रोटेट करेंगे इसको। जब भी इसको पैर को पीछे लेके आएंगे, सांस लेंगे, पैर को छोड़ेंगे, सांस को रिलीज करेंगे। आगे की तरफ ब्रीद इन ब्रीद आउट। आगे पीछे जारी नमन। जारी नमन।
बहुत स्लोली स्लोली। पानी का इंटेक जारी रखिए, वाटर इंटेक आपका जारी रखिए, पीते रहिए पानी धीरे धीरे। पूरा नीचे नहीं देखना है इसको, ऊपर ही ऊपर इसको हिलाना है। ये रोज करते हैं हम, रोज ये वार्म अप करते हैं, तो आपको इसकी सीरीज याद हो गई अभी। सेकेंड लेग दूसरे लेग से करेंगे। दूसरे लेग से करिए, करते जाइए। एक्सेल ये पैर को इस पैर पर रख के इसको घुमाएंगे। 1 2 गुल्ड घूर्णन, गुल्ड मतलब एंकल जॉइंट, घूर्णन रोटेट अपोजिट साइड। जब आप इस तरीके से ऊपर लेंगे पैर को, तो सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे। सेकेंड लेग जंघा पर पैर रख के कुंभ। सांस लीजिए छोड़िए, सांस लीजिए छोड़िए, सांस लीजिए छोड़िए। अपोजिट साइड। अर्ध तितली, इसी पैर को इधर ऐसे रख के डाउन एंड अप। करते जाएंगे। सांस छोड़िए सांस लीजिए। जिनकी नहीं लग रहा है ना, उनके लगने लग जाएंगे। जो बैठ नहीं पाते हैं ना जमीन पे, वो भी बैठने लग जाते हैं। अर्ध तितली, जितना पानी पिएंगे उतनी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, तो पानी का इंटेक अच्छा रखने से बहुत फायदा होता है। वो उगते के साथ हमेशा पानी पी के ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। पूर्ण तितली, फास्ट
जैसे तितली करती है ना, जैसे पास पास करेंगे। महिलाओं के लिए बेस्ट है, स्पेशली पीरियोडिकल जितने इश्यूज होते हैं वो सब इससे ठीक होते हैं। वेजाइनल इन्फेक्शन होते नहीं है और आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। सप्त चक्रों से बना हमारा शरीर, जिसमें सबसे पहले जो गुदा द्वार है वहां पर मूलाधार चक्र होता है, फिर यहाँ पर जहाँ पर आपके जननांग रहते हैं वहाँ स्वाधिष्ठान चक्र होता है, मणिपुर चक्र स्टमक के यहाँ होता है। मणिपुर चक्र एक्टिव होने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, अनाहत चक्र हमारा हृदय पे रहता है, और उसके बाद ये है विशुद्धि चक्र जो आपके गले पे रहता है, उसके बाद आज्ञा चक्र जो मस्तिष्क पर रहता है, और सहस्रार चक्र जो होता है वो सिर पर। ये सातों चक्रों को भेदती हुई सुषुम्ना जो हमारी नाड़ी रहती है उससे प्राण का प्रवाह होता है, और वो एक सर्प के कुंडलिनी के समान मूलाधार चक्र में बैठती है। तो जब आप इस तरीके का बटरफ्लाई एक्टिविटी करते हो तो वो कुंडली जो है, कुंडलिनी शक्ति जो जिस जो हमारे शरीर के सबसे नीचे रहती है, उससे ही हमारा जो है सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू वो कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र तक जाती है, और ये इस प्रोसेस को करने के लिए सालों लग जाते हैं। ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं और उनका ये जो है बहुत इसमें आपको वो मांगता है। क्या चलिए, श्रोणि चक्र, एक पैर ऐसा करेंगे एक पैर ऐसा करेंगे, हिप को रोटेट करिए, टिपिनिए। यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टू एक्टिवेट। हम सभी को बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, उसके बाद ही हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। सबसे पहले नाड़ी शुद्धि करनी पड़ती है। जैसे हम लोग जो प्राणायाम करते हैं, इसमें जो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं कुंभक लगाकर, तो नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है। 72,000 नाड़ियों का उल्लेख है हमारे शरीर में, जिसमें से तीन मेन नाड़ी होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा इज लेफ्ट हैंड, पिंगला इज राइट सूर्य नाड़ी, और सुषुम्ना इज इन बिटवीन एट मूलाधार चक्र। चलिए, सेकेंड लेग से श्रोणि चक्र। अभी हाँ, हमको वेट इसके बाद वेट ट्रेनिंग भी करना है, हाँ, इसलिए फटाफट करवा के 10 मिनट वेट ट्रेनिंग करवाऊंगी मैं। पूरा श्रोणि को हिप को उठा के रोटेट करेंगे, अपोजिट साइड। अब इसको बंद करके ओपन एंड क्लोज, उंगलियों के लिए मुष्टिका बंद, इसको बोलते हैं मुष्टिका बंद। बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम है, मणिबंध नमन, रिस्ट, आपकी जो रिस्ट ज्वाइंट है इस पे वर्क कर रहा है। मणिबंध को मतलब बोलते हैं रिस्ट। इसको ऐसे होल्ड करके रखेंगे, मणिबंध चक्रण, बिल्कुल हाथ एकदम स्ट्रेट रखेंगे और इस तरीके से रोटेट करिए हैंड्स को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट साइड,
नमन। यस स्कंद चक्र, डिबिनेल एंड एक्सेल। स्कंद मतलब आपके शोल्डर जॉइंट, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ। टेक योर वाटर, पानी की देखिए बॉटल हमेशा पास में रखते हैं ना, कप भी हमेशा पास में। शोल्डर शेप में आते हैं इससे, और शोल्डर के यहाँ पर भी जो ये जो पूरी सीरीज जो मैं आपको कराती हूँ, ये गैस आपके वात रोग को कम करती है। गैस एसिडिटी ब्लोटिंग जिसको भी ज्यादा होता है उसको ये पूरी सीरीज करना चाहिए रोज। जो आपको तो रट गई होगी ये, करा करा करो उसको। कुछ भी ऐसा नहीं है कि खाली पेट भरे पेट करना चाहिए उसको, कभी भी कर सकते। बैठे बैठे शोल्डर को रोटेट करने लग गए, बैठे बैठे कोहनी नमन करने लग गए। कई लोग बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते हैं ना, नेक रोटेट करने लग जाते हैं, गैस निकलती है, हर जगह गैस भर जाती है हमारे शरीर। यस अब ये इसको पकड़ के ऐसे घूमिए, कोहनी चक्रण बोलते हैं। सिर सिंगल, अपोजिट साइड एंड फ्रंट, सिंगल सिंगल रोटेट। ऐसे इधर दिपिनेल एंड एक्सेल, सिंगल सिंगल रोटेट, अपोजिट साइड। आज हम 3 मिनट लेट शुरू हुए थे, 3 मिनट देर लगेगी आज हमको। चार स्टेप्स में नेक रोटेशन करेंगे, इसके बाद नेक को स्ट्रेच देंगे। आपका विशुद्धि चक्र स्ट्रांग होता है, मैंने आपको सारे चक्र बताए आज, कितने चक्र कहाँ स्थित होते हैं, कौन सा चक्र। जब भी आप नेक की कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो हमारा कौन सा चक्र एक्टिव होता है, विशुद्धि चक्र। यहाँ पर कौन सा चक्र होता है, विशुद्धि चक्र। और ये थायराइड ग्रंथि भी यहाँ पर स्थित होती है, तो जिनको भी थायराइड ग्रंथि की प्रॉब्लम है ना, उसको नेक का वर्कआउट रेगुलर करना ही चाहिए। तो चार स्टेप्स में हम लोग नेक को रोटेट करते हैं। सबसे पहले पीछे ले गए, सांस लिया, आगे ले गए, सांस छोड़ा, बिल्कुल डेलिकेटली इसको उठाएंगे। आप इधर टच कर दीजिए, यहां पर लोट को महसूस कीजिए, गले के यहाँ पे खिंचाव को महसूस कीजिए। लेफ्ट साइड और नाउ रोटेट। अब एक ब्रह्म मुद्रा बनाइए, पहले लेफ्ट साइड पे होल्ड करिए। चार स्टेज, एक तो पीछे करा अपन ने, एक साइड किया, अब इधर होल्ड, इन बिटवीन राइट साइड में लाके होल्ड, नाउ रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ। डीप इनहेल व्हेन यू गो बैक, डीप एक्सहेल व्हेन यू कम आउट। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लीजिए छोड़िए, बड़े ही आराम से करना है, बहुत आराम से करना है, बिल्कुल बिना जग के।
अपोजिट साइड। चलिए लेट जाएंगे अब। डंबल्स आपके प्लीज पास में रख लीजिए, क्योंकि आज डंबल के साथ भी करना है। तो ये देखिए मेरे डंबल्स यही रखे हुए हैं पास में। देखना है बाद उत्तानासन, लोअर एब्डोमेन कहाँ मसल्स पे वर्क करता है। सबसे पहले लेट जाएंगे। लेट के सबसे पहले पादोत्तानासन में सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट के सबसे पहले सिंगल लेग को ऊपर करेंगे 90 डिग्री एंगल पे लाने की कोशिश। Yes. होल्ड। अब यहां पर डंबल को कैसे यूज करते हैं, ये डंबल रखा है, डंबल को आपको क्या करना है, ऐसे पकड़ना। अब यहां पर सिर्फ पैर का एक्सरसाइज हो रहा था, अब हमने क्या करा, हाथों से डंबल को साइड में रखने से हमारे हाथ को भी उपयोग कर लिया। ठीक है, सेकेंड लेग, दूसरे लेग को सीधा उठाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, घुटना मुड़ा हुआ नहीं। अभी सिर्फ 90 डिग्री पे किया है। अब इसकी 3 स्टेजेस होती है, जिसमें आपको अगर लोअर बॉडी का लोअर एब्डोमेन कम करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है 30 डिग्री एंगल। जैसे ही ये पैर है नीचे लेटा हुआ है, इसमें 4 एंगल्स पे हम इसको रोटेट करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, सबसे ज्यादा हमको 30 डिग्री पे होल्ड करना है, क्योंकि जब आप 30 डिग्री पे इस पैर को रखेंगे तो सबसे ज्यादा लोड आपकी कहवा मसल पे आएगा नीचे, और वो पतली होगी और नीचे का लोअर बॉडी जाएगा। तो क्या करना है, दोनों हाथ कमर के पास, 30 डिग्री एंगल होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब 45 डिग्री एंगल पे लाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब 60 डिग्री एंगल पर लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दोनों पैर को उठा के 90 डिग्री एंगल पर लाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगेन 60 डिग्री पे लाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब अगेन 45 डिग्री पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, अगेन 30 डिग्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन स्टॉप। आपने ये नोटिस किया होगा? करते वक्त आपकी कहावा मसल्स पे जरूर लोड आया होगा, 100% श्योर। यस आप एक सिंगल लेग को उठा के रोटेट करना है, कैसे? ऐसे, ठीक है? और डंबल्स के साथ। फिर दूसरे लेग को रोटेट करना है, फिर दोनों लेग्स को रोटेट करना है डंबल्स के साथ। तो पदोत्थान आसन जो होता है वो आपके कहवा मसल पे बहुत जबरदस्त वर्क करता है, और इसमें होल्डिंग करना पड़ती है। अगर आप इस होल्ड नहीं करेंगे तो इसका आपको इफेक्ट नहीं आएगा। 30 डिग्री पे सबसे ज्यादा इसको अच्छा माना गया है। जब आप पैर को हल्का सा ऊपर उठाते हो और होल्ड करते हो, दैट इज 30 डिग्री एंगल। आप रोटेट योर लेग्स, सिंगल लेग को रोटेट करिए, दूसरे लेग को रोटेट करिए, और फिर दोनों लेग को रोटेट, पाद चक्रासन विथ वेट, वजन के साथ। ये डंबल्स हैं आपके, इसको पकड़ लो, घुमाओ, लेग्स को घुमाओ, सेकेंड लेग। अभी मैंने एक लेग को घुमाया, दूसरे लेग को घुमाऊंगी। अपोजिट साइड, अब दोनों लेग्स को घुमाना है। अपोजिट साइड, वेरी गुड, रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए। 10-30 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थक गए होंगे आप लोग। टेक योर वाटर, पानी पी लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पाद संचालन। देखिए, 2 गिलास पानी तो आपके सामने पी चुकी हूं मैं, 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में, है ना? यस। अब पाद संचालन, वेट के साथ करना है, वेट के साथ। ये वेट उठाए, अब ऐसे करिए, वन टू थ्री फोर। इससे कहाँ पे काम होगा? अगेन कहावा मसल, ये पूरा लोअर बॉडी, पूरी गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। बॉडी में जितनी भी गैस किसी भी ऑर्गन्स पर होगी वो पूरी बाहर हो जाएगी, और जितना आपकी बॉडी में गैस कम होगी उतना आपको हल्का महसूस होगा। हमारे शरीर में क्या जगह जगह जाके गैस भरती है, इनडाइजेशन के कारण भी होता है। यस, घुमाओ पैर को, अपोजिट साइड, वेरी
दादाजी का पाउडर किसको देंगे भैया? जज को फोन लगे। यस वेरी गुड। रिलैक्स हो जाइए, 10-20 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स, जो लोग थक जाते हैं मतलब उनको क्या करना चाहिए, हर थोड़े देर में आंखें बंद करके बॉडी को ऐसे रिलैक्स छोड़ देना चाहिए। रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। यस 10-20 सेकंड्स के लिए रिलैक्स हो जाओ। अब आपको ये पैर उठाना, यहां पर लेके आए, इसको पास में लेके आओ। क्लोज। अब ये जो चिन है इससे टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सेकेंड लैग, इस चिन को टच करने की कोशिश करेंगे। सुप्त पवन मुक्तासन बोलते हैं इसको। अब यहां पर वेट का उपयोग कैसे किया जा सकता है? ऐसे दोनों साइड से दोनों पैरों को पास में लाके दोनों वेट उठा के इसके ऊपर रख लो। फेस को इसके बीच में लाने की कोशिश करें, इसके दोनों घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। फेस को यहां से ऐसा टाइट पकड़ लीजिए। रिलीज। अब आपको क्या करना है, चूंकि आपने पानी पिया हुआ है तो बॉडी को रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है? साइड में ऐसे पकड़ के यूं, आराम आराम से झूला नाना लुढ़का ऐसे ऐसे। इससे जो आपकी जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन होती है। अभी हमने जितनी भी वर्कआउट करी, सारी वर्कआउट में मुझे उम्मीद है जिसको वात रोग होगा, जिसको गैस की प्रॉब्लम होगी, उसकी गैस आउट हुई होगी। सारी जो एक्टिविटी है वो गैस बाहर करने वाली है। साइड एंड फ्रंट, रोटेट योर बॉडी, बॉडी को रोटेट करते जाएंगे। यस, फ्रंट कैसे करेंगे? ऐसे पकड़ा टाइट और पैर पे ऐसे बैठना है, ठीक है? फिर वापस नीचे पूरा पैर पे बैठना है, ठीक है? ऐसे फिर पीछे गए, पीछे गए। मैं खुद नहीं उठा पाती हूँ अभी बॉडी को, पर ट्राई करती हूँ। अब इसको है बिल्कुल बिना बिना हाथ छोड़े उठा लेते हैं। मेरा खुद का नहीं हो पाता है, इस पे मैं वर्क कर रही हूँ, पर ऐसे आपको बिना उसके ही उठाना है। तो झूले नावा लुढ़का नास करेंगे, आगे पीछे साइड राइट फ्रंट बैक। अब क्या करना है, दोनों पैरों को इधर रख दीजिए, हाथ को इधर रखिए और उस साइड देखिए। अब दोनों पैरों को इधर रख देंगे, हाथ को इधर और इस साइड। फिर दोनों पैर इन बिटवीन साइड ट्विस्ट को महसूस करेंगे। यस। अब आपको क्या करना है, एक पैर सीधा करना है, दूसरे पैर को इधर लगाना है, जैसे अपन सोते हैं ना तकिया रख के ऐसे। अब ये दोनों हाथ जो है शोल्डर के लेवल पे रहेंगे, ये वाला हाथ भी शोल्डर के लेवल पे, ये वाला हाथ भी शोल्डर के लेवल। और देखना उस साइड है, जैसे ये वाला पैर इधर रखा है तो आपको देखना किधर है, अपोजिट साइड। अब ये वाला पैर सीधा करेंगे यदि, और ये पैर का करेंगे तो मैं इस साइड देखूंगी, किस साइड, जहां पे मेरी स्क्रीन।
ट्विस्टिंग पोस्चर। नौकासन करेंगे। नौकासन कितने बार करना है? एक बार नहीं, 10 बार। पहले तो हाथों को पूरा पीछे स्ट्रेच कर दीजिए और आगे पैरों को भी स्ट्रेच कर दीजिए, पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। देखिए ये हाथ है, हाथ को मैंने पीछे रखा जमीन पे, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर। जैसे अपन सुबह सो के उठते हैं तो कैसे बॉडी को खींचते हैं, इस तरीके से पूरा बॉडी को खींच देंगे, पीछे पूरा रेस्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, हाथों और पैरों को लिफ्ट करके नौका बनाना है। धीरे धीरे हाथ लिफ्ट करेंगे, धीरे धीरे पैरों को भी लिफ्ट करेंगे और ऐसे करेंगे, ये फिर वापस नीचे जाना है, फिर वापस नीचे जाना है और नौका बना के उस पोजीशन पे होल्ड करना, ठीक है? इसको नौकासन बोलते हैं। और ये नौकासन जो होता है लोअर, अगेन वर्क्स ऑन द लोअर एबडोम, लोअर एबडोमिन पे काम करता है। तो पीछे जाना है, नौका बनानी है, होल्ड करना है, फिर पीछे जाना है, नौका बनानी, होल्ड करना है, फिर पीछे जाना है, नौका बनानी, होल्ड करनी है। ऐसा हमको 10 बार करना है, ठीक है? जाइए पीछे। स्ट्रेच योर बॉडी, होल्ड। अगेन नाउ स्ट्रेच योर बॉडी, अगेन स्ट्रेच योर बॉडी, कई बार सपोर्ट भी लेना पड़ता है, होल्ड। चलिए दो चार आसन करने के बाद प्राणायाम करेंगे और वेट से करेंगे। वेट उठा लीजिए, दोनों पैर सीधे, एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ यहाँ पे, तो एक हाथ डंबल से यहाँ पर और एक हाथ डंबल से ऊपर, ये 1 2 3 4 पर 6 7 8 9 10। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आपको क्या करना है, दत्यामुख मेरुवक्रासन, दोनों पैरों को चौड़े कर लीजिए, ये हाथ को स्ट्रेट करेंगे, ये हाथ इस उंगली पे लगाएंगे, ये हाथ उधर जाएगा उसकी तरफ, हाथ की तरफ देखेंगे, पूरा पीछे की तरफ देखना है ना। अब ये हाथ इधर आएगा, इस साइड पीछे की तरफ देखिए, ये हाथ इधर, अब चक्की चलाएंगे, दोनों मुट्ठी बांध दीजिए, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, यहां पर पहले टच करिए, यहां पर पहले टच करिए, पीछे जाइए, फिर इधर टच करना है, इधर टच करना है, पीछे जाना है, फिर अब इसको वेट के साथ कैसे कर सकते हैं, ये वेट उठाया, ठीक है? हर चीज वेट के साथ पॉसिबल है। अपोजिट साइड, ये वेट को ऐसे पकड़ना है और यू चलाना है, नौका चलानी यू, फिर पीछे आओगे, नौका चलाओगे पीछे आओगे,
ऐसे भी कर सकते हैं, जिसके पास वेट्स नहीं है, आगे पीछे। ऐसा करने से आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ती है। जब भी आप पीछे जाते हैं ऐसा करके, कई लोग फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ाने के लिए इस एक्टिविटी को करते हैं। जो पश्चिम उत्तानासन है वो लगने लग जाता है। चलिए प्राणायाम करेंगे। 45 हो गया है, मैंने पूरी कोशिश करी आपको मैक्सिमम 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 देने की। 45 मिनट में बहुत सारे, करीब करीब 40 से 50 आसन हमने विथ वेट करे हैं, वेट भी यूज किया है। ये सीरीज आपको रटवा दूंगी अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करते रहते। ये सीरीज आप रटिए और देयर इज सम इलेक्ट्रिसिटी इशू हियर, आराम से बैठेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल, अगेन डीप इनहेल, एक्सहेल, वन मोर टाइम डीप इनहेल। अपनी सूर्य नाड़ी को प्रेस करके अपनी चंद्र नाड़ी से 50 बार एक्सेल इनहेल करेंगे। अपनी चंद्र नाड़ी को प्रेस करिए। ये दोनों उंगलियों को आज्ञा चक्र पर रखना है, गुरु और शनि की दोनों उंगलियां, इनको आज्ञा चक्र पर रखकर अपनी सूर्य नाड़ी से, पिंगला नाड़ी से 50 टाइम्स एक्सहेल इनहेल। कपालभाति क्रिया, अपनी दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ लोहार की थोपनी के समान कपालभाति क्रिया करेंगे 1 मिनट लगातार। यस, अनुलोम विलोम प्राणायाम, बिल्कुल अपने चंद्र नाड़ी से इनहेल करेंगे। बिल्कुल ध्वनि आपकी जो श्वास और प्रश्वास की ध्वनि अभ्यासी के शरीर तक भी नहीं आना चाहिए, इतना धीरे सांस लेना है और इतना धीरे सांस को छोड़ना है। तो डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल,
यस, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो है हमारे विशुद्धि चक्र को स्ट्रॉन्ग करता है। भ्रामरी प्राणायाम माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिनको भी हेडेक हमेशा होता रहता है, सिर दुखता रहता है, उनको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। कानों को इस तरीके से बंद कर सकते हैं, इस तरीके से बंद कर सकते हैं, या बिना बंद करे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कानों को बंद करें ऑफिशियली। ऐसे आज मैं बिना बंद करे करवाऊंगी डीप इनहेल और माँ की वाइब्रेशन करते हुए सांसों को बाहर छोड़े। स्टार्ट करते हैं। लेट जाइए, पैरों को क्लोज कर लीजिए। योग निद्रा करेंगे थोड़ी देर के लिए। पहले तो डीप इनहेल करना है, पेट को फुलाना है और धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। डीप इनहेल, एक्सहेल। अगली अगली दोनों पैरों को चौड़ा कर दीजिए, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए अपने शरीर को। सांसों पर ध्यान लगाएंगे। योग निद्रा। अपने सीधे पैर की पर ध्यान लगाएंगे। अपने उल्टे पैर पर ध्यान लगाएंगे। अपनी कमर पर ध्यान लगाएंगे। अपने पेट पर ध्यान लगाएंगे। अपनी छाती पर ध्यान लगाएंगे। अपने गले पर ध्यान लगाएंगे। अपने मुंह पर ध्यान लगाएंगे। अपने बालों पर ध्यान लगाएंगे। अपने समस्त पार्थिव शरीर पर ध्यान लगाएंगे। सांसें आ रही है, जा रही है। डीप इनहेल, डीप इनहेल,
धीरे से करवट लीजिए। मम्मी प्रणाम करेंगे, मम्मी प्रणाम करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तु गौरी स्यात् भवापि तद्दर्शनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, इसी कामना के साथ हमारे दिन की शुरुआत हो। हम सभी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पर हम स्ट्रांग बने, हमारा और अच्छा हो, हम खुश रहें, हम फिट रहें, सभी इसी कामना के साथ हमारे दिन की शुरुआत देवी से आंखों का दर्शन करेंगे। नेत्र पर रखकर अपने समस्त पार्थिव शरीर नाभि सब दूर रखकर धीरे धीरे अपने मित्रों को सुप्रभात। सभी को बहुत ही क्या बोलते हैं, आज हमने बिल्कुल हल्का फुल्का, यूं ऐसे बोला जाए तो हल्का फुल्का है, पर आपकी बॉडी पे बहुत इफेक्ट आएगा इस वर्कआउट को करने का, ये मेरी गारंटी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको कितना पसीना है, बिना पसीना आए भी आप बहुत सारी चीजें जो है बॉडी पे इफेक्ट आना जरूरी है, पसीना आना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी अपना शेक बना लीजिए, प्रिपेयर योर शेक। ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं, 2-5 मिनट आपसे बात करूंगी। मेरा शेक तो हमेशा रेडी रहता है और मैंने आज मैंगो शेक बनाया है। आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ आई हेल्थ के ऊपर, आंखों की रोशनी कैसे बढ़ती है। तो आंखों की रोशनी के लिए हमें क्या चीज़ें खाना चाहिए जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़े, और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हाउ टू इंक्रीज आई साइट, दिस इज माई टॉपिक टूडे। तो सबसे पहले आप बताइए, खुद बताएंगे, आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कैसी क्या चीज़ खाएं जिससे कि आंखों की रोशनी बढ़े, और ऐसे क्या चीज़ करें जिससे कि हमारी आंखों की रोशनी बढ़े। तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा रहता है ना जो 6th 7th क्लास में पढ़ता है, उसी को बताया जाता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, है ना, पास का दिखना दूर का दिखना। वो बोलता है उसको पास का चश्मा लगाए, वो बोलता है उसको दूर का चश्मा लगाए। व्हाट इज दिस पास और दूर, ये पास और दूर क्या होता है? हमारी गाजर, यस अरुण सर, बहुत अच्छा आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है। पास का चश्मा लगना और दूर का चश्मा लगना, आपको पता है दूर का चश्मा लगने से ज्यादा डेंजरस होता है पास का चश्मा लगना, क्योंकि दूर का चश्मा तो है एजिंग के साथ लगता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारी आई साइट कमजोर हो जाती है और हमारा डी जनरेशन चालू हो जाए, इसको बोलते हैं मैक्यूलर डी जनरेशन, यानी आपके बॉडी में आपका ह्रास चालू हो गया है। एजिंग का एक साइन है ये चश्मा लगना। बोलते ना, आप कभी कोई नाटक या सीरियल देखते होंगे तो उसके अंदर आपने देखा होगा एक बुढ़ी अम्मा बनाते हैं, तो कभी सीरियल में आप भी बच्चे बने होंगे तो उसमें बोलते हैं बुढ़ा बनना है ना चश्मा लगा लो डंडा रख लो, ना बुढ़ा होना मतलब चश्मा, ये इसका साइन होता है। तो मैक्यूलर डीजनरेशन जो होता है हर व्यक्ति में होता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है क्या होता जाता है, उसकी आईसाइट कमजोर होती जाती है ना। तो आईसाइट को कैसे इम्प्रूव करोगे? सबसे पहले तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप स्क्रीन की तरफ देखोगे तो आपकी आईसाइट कमजोर होगी। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि अपने स्क्रीन टाइम को कम करो। यहाँ जूम पे जुड़ना आपकी मजबूरी है, पर इसके बाद मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप जूम को छोड़ो तो आप प्रकृति में जाइए और पेड़ पौधों में रहिए। तो वहां से क्या फायदा होता है, जब भी हम इंफिनिटी पे देखते हैं, जब भी हम चांद को देखते हैं, तारों को देखते हैं, सूरज की तरफ, सूरज को तो नहीं देखना चाहिए पर जब आप इन्फिनिटी पे देखते हो तो
तो आपकी आईसाइट क्या होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि प्यूपल्स जो होती है आपके अंदर की जो प्यूपल्स होती है वो क्या होती है, डायलेट होती है, डायलेट रिलैक्स होती है, रिलैक्स। तो इसलिए एक एक्सरसाइज होती है जिसमें क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे देखते हैं और फिर आंखें बंद कर लेते हैं, इन्फिनिटी पे देखते हैं और आंखें बंद कर, ये हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक कभी आसमान की तरफ देखते ही नहीं, इतना सुंदर प्रकृति है उसकी तरफ जरूर देखना चाहिए। ग्रीनरी देखने से आपकी आईसाइट स्ट्रांग होती है, हरियाली देखने से। जितनी हरियाली देखोगे, जितना प्रकृति में रहोगे, जितना चांद को देखोगे, तारों को देखोगे, वो चिड़िया उड़ रही है, कबूतर उड़ रहा है, उसको देखिए। यस, सुबह हर हरी घास पर चलने से भी आईसाइट स्ट्रांग होती है, बिल्कुल सही बोला, सुबह हरी घास पर चलने से भी आईसाइट स्ट्रांग होती है, ये बात बिल्कुल सही है ना। तो पहली चीज है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आईसाइट पे फर्क पड़ता है, और हमारी दूर का चश्मा, पर यदि किसी को पास का चश्मा लग रहा है, यानी पेपर नहीं पढ़ते बन रहा है, तो समझ लो कि उसमें उसके न्यूट्रिशन में फॉल्ट है, उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है। तो जैसा अरुण सर ने मैसेज पे लिखा है अभी यहाँ पर कि गाजर खाने से न्यूट्रिशन जो है स्ट्रांग होता है, जितने भी येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको खाने से आईसाइट स्ट्रांग होती है। तो सबसे पहली चीज है आपको इन्फिनिटी पे देखना है, दूसरी चीज है येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है, तीसरी चीज ये है कि आप अगर ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकते तो ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन का एक प्रोडक्ट आता है हर्बल लाइफ का, जिसको बोलते हैं ऑक्यूलर डिफेंस। ये ऑक्यूलर डिफेंस टैबलेट जो होती है वो दैट कंटेन्स ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन, और ये रेगुलर एक गोली खाने से हमारी आईसाइट स्ट्रांग होती है, मैकुलर डिजनरेशन हमारे शरीर में होता नहीं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड।